हेलो एवरीवन, हम कक्षा 10 के गणित प्रश्न पत्र हल 2022 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 27 तक सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 28 से 30 तक सॉल्व करेंगे, और जो इसके अंतिम तीन क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को हल करना। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये पाइथागोरस प्रमेय, पीजीटी जिसे बोलते थे, पाइथागोरस प्रमेय को हमें प्रूफ करना है। और ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें कोई प्रमेय अगर प्रूफ करनी होती है तो उसके लिए गिवन लिखते हैं, यानी कि दिया है लिखते हैं, फिर सिद्ध करना है यानी कि जो हमें प्रूफ करना है वो लिखते हैं, और उसके बाद अगर कुछ रचना की आवश्यकता हो तो रचना करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 28 को। थोड़ा इसके बारे में हमने लिखा हुआ है, दिया है इसमें एक त्रिभुज एबीसी जिसका एंगल सी 90 हमने मान लिया है, एंगल सी 90 डिग्री है। और सिद्ध क्या करना है, जो 90 के सामने की भुजा है अर्थात ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी कि एसी और बीसी के वर्ग के योग के बराबर है। तो रचना, इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, इस सी से एबी पर एक लंब डाल लेते हैं जिसका नाम हमने दिया डी। यहां पर एक लंब हमने डाल लिया, ये भी 90 डिग्री है। तो उसके लिए रचना में हम लिख देते हैं, सी से एबी पर लंब सीडी खींचा। अब इसके लिए अब उत्पत्ति हम करते हैं इसकी, मतलब इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में उसके समकोण से एक लंब खींचा जाए उसके कर्ण पर, तो इसमें तीन त्रिभुज बनते हैं, एक बड़ा त्रिभुज और ये दो छोटे त्रिभुज। तो उस प्रमेय में यह बताया गया है कि ये जो दो छोटे त्रिभुज हैं, छोटे दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे और ये दोनों बड़े त्रिभुज के भी समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए सी बी के। अगर एंगल ए देखें दोनों में कॉमन है, एंगल डी इस त्रिभुज में एंगल डी 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में एंगल बी 90 डिग्री है। तो समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं, संलग्न भुजाएं, वो समानुपाती होती हैं। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, इस त्रिभुज की एडी बटे इस त्रिभुज का एसी इज इक्वल टू होगा, इस त्रिभुज के हम एसी लें ए और सी भुजा, और इस त्रिभुज में ए बी तीसरी भुजा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसे अभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एडी AC into AC square इज इक्वल टू एडी इंटू ए बी, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन ट्रायंगल बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी सी ए के, बी सी ए के बी डी सी, बी डी सी समरूप होगा बी सी ए, क्योंकि बी दोनों में कॉमन हो जाएगा और यहाँ सी 90 यहाँ डी 90। तो इसी प्रकार इसमें भी हम लिख सकते हैं, इस त्रिभुज की हम बी डी अगर लें भुजा, तो इस त्रिभुज का हमें बी सी लेना पड़ेगा, और यदि इस त्रिभुज का बी और सी लें, बी सी भुजा लें, तो इस त्रिभुज का बी ए या ए बी लिख सकते हैं, ए बी। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं हम, तो ये होगा BC into BC square इज इक्वल टू BD into AB, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें हम, तो आप देख सकते हैं AC square plus BC square इज इक्वल टू AD into AB और BD into AB, AB दोनों में कॉमन है तो AB को हम कॉमन लेके लिखें, ये हो जाएगा AD plus BD। अभी
एबी और एडी इंटू बीडी, एडी इंटू एडी प्लस डीबी या बीडी, तो एबी के इक्वल होगा इंटू एबी, तो यानी कि एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एबी स्क्वायर। हमें यही यहां पर प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ट्वेंटी एट का अथवा का क्वेश्चन है हमारे पास, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे, परे मतलब दूर, 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 28 का अथवा का क्वेश्चन, एक खंभा है, ये हमारे पास, इस खंभे से यहां से कोई लड़की चलना प्रारंभ करते हो, यहां पर कोई एक लाइट लगी है, ये मान लेते हैं यहां पर कोई एक लाइट लगी है ये, और ये लाइट जो है 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। अब यहां से कोई लड़की चलना प्रारंभ करती है तो जो चाल दी हुई है, इस चाल चाल जो दी है लड़की की, वो दी है 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 1.2 मीटर, और यहां से जब वो चलना प्रारंभ करते हैं तो 4 सेकंड बाद खंबे से लड़की की दूरी वो कितनी होगी, 4.8 मीटर, यानी कि 4 सेकंड बाद लड़की 4.8 मीटर दूर चली जाती है, अर्थात यहां से चल रही है लड़की और यहां से चलते चलते यहां पहुंच चुकी है वो 4.8 पर, और लड़की की जो ऊंचाई है वो दी है 90 सेंटीमीटर, लड़की की ऊंचाई की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, यहां कह सकते हैं 0.9 मीटर, यानी कि 0.9 मीटर। अब इस लड़की की जो परछाई होगी वो यहां बनेगी, ये यहां पर, तो इस परछाई की लंबाई पूछ रहा है कितनी है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसे ज्वाइन करें प्रकार, और ये परछाई है, तो ये परछाई मान लेते हैं एक्स है, तो माना परछाई की लंबाई एक्स मीटर, एक्स मीटर अगर मान लेते हैं तो इसके लिए इनके नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये ई, ट्रायंगल ए बी ई समरूप होगा ट्रायंगल सी डी ई के, क्यों, क्योंकि एंगल ई इक्वल टू है एंगल ई के, कॉमन एंगल है, और एंगल ए इक्वल टू है एंगल सी के, क्योंकि वो 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर समरूप हैं तो समरूप की प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं कि भुजाओं का अनुपात, अर्थात ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी, अगर ए बी लिखें तो वो है 3.6 और सी डी है 0.9 और ए ई हमारे पास है ए ई 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स और अपॉन सी एक्स, इससे इसे कैंसिल करेंगे 4, तो यहां सॉल्व कर देते हैं इसे, ये होगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, एक्स इधर जाएगा तो माइनस होगा 3x इक्वल टू 4.8, तो x इक्वल टू 3
1.6 आएगा, क्योंकि 16 × 48 तो पॉइंट लगा देंगे, तो x इक्वल टू 1.6 मीटर। अर्थात जो लड़की की 4 सेकंड बाद लड़की की परछाई होगी, 4 सेकंड बाद लड़की की परछाई की लंबाई 1.6 मीटर होगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी की चाल 3 किलोमीटर पर होवर की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो पहली कंडीशन यह है, 29, एक टंकी है जिसका बेलनाकार है, ये तो मान लो इसका तल हो गया और ये ऊपर से खुली मान लेते हैं इसे हम। इसका जो व्यास गिवन है हमें वो दिया हुआ है 10 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी टंकी की, त्रिज्या आर बराबर 10/2 अर्थात 5 मीटर, और ऊंचाई जो गिवन है टंकी की वो गिवन है 2 मीटर, तो एच कितना है 2 मीटर। टंकी का आयतन अगर हम निकाल लें, का आयतन, टंकी का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात पाई आर है हमारे पास 5 × 5 × 2, 5×5 = 25, यानी कि 50 पाई सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। अब सेकंड सिचुएशन यह है कि इसे एक पाइप द्वारा इस तरीके से, इस पाइप के द्वारा, बेलनाकार पाइप है ये, इससे जोड़ दिया गया है नहर से, यहाँ कोई नहर है। अब इस नहर से पानी इसमें आ रहा है तो इसका व्यास हमें पता है, व्यास इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, पाइप का व्यास सेंटीमीटर, तो पाइप की त्रिज्या, पाइप की त्रिज्या होगी, इसे हम आर वन मान लेते हैं 20/2 अर्थात 10 सेंटीमीटर, या फिर इसे कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि 10/100 अर्थात मीटर, या फिर ये कहें 1/10 मीटर। तो त्रिज्या इसकी है और इस पाइप में चाल, पानी की चाल है कि चाल, क्वेश्चन में आपने पढ़ाई था अभी, चाल दी थी 3 किलोमीटर पर होवर, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर इस पाइप में पानी आ सकता है। अब 3 किलोमीटर है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 1000 यानी कि मीटर अपॉन होवर है, मिनट में बदल लेते हैं 60 से, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इससे कैंसिल होगा, यहाँ कितना आएगा 2 और 2 से 100 कैंसिल करेंगे 50 मीटर पर मिनट, यानी कि पाइप में जो पानी है पाइप में 1 मिनट में पानी द्वारा चली दूरी तो यह हो जाएगा 50 मीटर। तो आप ऐसे समझते हो जैसे ये पाइप है कोई, तो पाइप की व्यास तो आपके पास पहले से गिवन था इसका, या त्रिज्या। अब 1 मिनट में यहां से यहां तक ये हम मान लो 50 मीटर मान ले, तो ये बेलन बनेगा, तो इस बेलन के आयतन 1 मिनट में इतना पानी उधर जाएगा उस टंकी में, तो 1 मिनट में पाइप में बहा पानी, क्योंकि ये बेलन बन जाएगा उसके अंदर 50 मीटर ऊंचाई का, तो पाई आर वन स्क्वायर और इसे एच वन मान लेते हैं, एच वन का नाम दे देते हैं। तो अभी इसे सॉल्व करें, अगर हम पाई और आर वन है हमारा 1/10 था, और 1/10 2 टाइम लिखना पड़ेगा, और एच 50,
तो ये 5, और 5 से 10 को कट करेंगे तो ये जाएगा पाई बाई, 5 से 10 को कट करेंगे 2, तो पाई बाई 2 मीटर क्यूब। तो चूंकि आप देख रहे हैं मीटर क्यूब, सॉरी यहां पे क्यूब था, 50 पाई पानी इसमें आ सकता है, 50 पाई मीटर क्यूब पानी इसमें आ सकता है, और 1 मिनट में इसमें पानी आ रहा है पाई बाई 2, तो टंकी को भरने में लगा समय, टंकी को भरने में लगा समय, लगा समय होगा आपका टंकी का आयतन, आयतन बटे 1 मिनट में आया पानी। तो 1 मिनट में पानी आया पानी का आयतन होगा, ये हो जाएगा 50 पाई, और ये पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल होगा, अर्थात 5 50 × 2 यानी कि 100 मिनट। तो टंकी टंकी को भरने में लगा समय बराबर 100 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 10 कक्षा 10 के 60 छात्रों के गणित में प्राप्तांक नीचे दी गए सारणी में दर्शाए गए हैं, प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक टेबल दी है, इसके अकॉर्डिंग हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टेबल को यहां बना लेते हैं। उसके लिए ये टेबल हमने यहां बनाई, अब इसे सॉल्व करना है। क्योंकि बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक इज इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 - f0 - f2 इंटू एच। अब हमें ये एल एफ वन एफ जीरो और एच एफ एफ टू ये सब हमें फाइंड करने हैं। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग जो ये सबसे ज्यादा है, संचय बारंबारता से बता सकते हैं, लेकिन अगर जो सबसे ज्यादा है इसे हम क्या मान लेते हैं, एफ जीरो। तो गिवन है एफ जीरो कितना है हमारे पास 15, और एफ जीरो सॉरी इसे एफ वन मानते हैं हम, और एफ जीरो इससे ऊपर का होगा 10, और ये जो होगा ये एफ टू होगा, एफ टू जो होगा हमारा वो 5। अभी इसमें हमें एल चाहिए, तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, चूंकि बहुलक वर्ग ये है तो इसकी निम्न सीमा कितनी है 30, तो ये हो जाएगा 30। और एच इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो 40 - 30 इज इक्वल टू 10। अब इसे सॉल्व करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें वे वैल्यू फुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो बहुलक बराबर एल है हमारा 30 प्लस एफ वन हमारे पास है 15 माइनस 10 अपॉन 2 × 15 माइनस एफ जीरो 10 माइनस एफ टू 5 और इंटू एच हमारे पास है 10। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 30 प्लस 15 माइनस 10 5 अपॉन 15 × 30, 30 माइनस 15 यानी कि 30 - 15, क्योंकि 10 और 5 जुड़कर 15 हो जाएंगे, इंटू में 10। अब इसे आगे सॉल्व करें अगर, तो 30 प्लस 5 अपॉन 15 इंटू 10, 5 3 = 15। तो यहां लिख देते हैं बहुलक बराबर 30 प्लस 10 बटे
तीन, तीन से दस को काटेंगे तो 30 प्लस 3.33 और इन्हें ऐड करेंगे तो होगा 33.33 छात्र। अर्थात हमारा जो बहुलक प्राप्त होगा वह 33.33 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये 2022 का प्रश्न पत्र कंप्लीटली हमने 5 भागों में सॉल्व किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे अवश्य करेंगे और हम अगले वीडियो में 2020 के पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।